मिलवाती हूँ हमारी अगली आइकन ऑफ भारत से, जिनका नाम है सौम्या जैन, जो घर से ही किचन प्रोडक्ट्स यूज कर बनाती हैं होम मेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। मिलते हैं सौम्या जैन से। नमस्कार, मेरा नाम सौम्या जैन है। मेरे ब्रांड का नाम है सौम्या ऑर्गेनिक्स। ये ब्रांड मैंने 2018 में स्टार्ट करा था, जिसमें मैंने सिर्फ घर पे साबुनों से ही बिज़नेस स्टार्ट किया था, और अब मेरे पास 110 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। हमने जब स्टार्ट किया तो घर से सारा सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें मैं पैकिंग घर पे करती थी, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, और अब हम लोग इस ब्रांड को आगे तक पहुँचा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर सकें, उनको कम से कम केमिकल के प्रोडक्ट्स जो हैं मिल पाएँ। सौम्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका आइकॉन्स ऑफ भारत में। आपका नाम और आपका बिजनेस कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो बड़े इच्छुक और बड़े आतुर हैं हम आपकी कहानी सुनने के लिए। प्लीज़ बताइए, क्या है आपकी कहानी? थैंक यू सो मच। तो बचपन से ही मेरे पापा दो पंक्तियाँ हमेशा कहा करते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना, कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्या बात। नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या जैन, और बचपन से ही जैसे जब भी मेरे कोई रिश्तेदार या मेरे माँ बाप मुझसे पूछा करते थे बड़े होकर क्या बनना है, तो हमेशा से मैं ये कहती थी कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कोई भी ऐसा सिंपल कोई बेसिक काम नहीं करना है, और दुनिया को ये दिखाना है कि बेटियाँ भी किसी से कम नहीं होती हैं। क्योंकि जब मैं 11th क्लास में थी तो मेरे फादर को कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे, तो सारे लोग ऐसे बोलते थे कि काश कोई बेटा होता, बिकॉज़ हम लोग दो सिस्टर्स हैं, तो हमेशा वो लोग कहते थे कि काश कोई बेटा होता तो वो शायद पापा को सपोर्ट कर देता या फिर उनकी हेल्प कर देता। तो मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मैं हमेशा बोलती थी कि किसी ना किसी दिन मैं पक्का लोगों को ये दिखाऊंगी कि बेटियां भी किसी से कम नहीं होती। तो मैंने अपना एक ब्रांड स्टार्ट किया सौम्या ऑर्गेनिक्स के नाम से। मैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। कॉलेज की छुट्टियाँ थी उस टाइम, मैं इंटर्नशिप भी करती थी एक और साथ में कॉलेज भी जाती थी। तो उस टाइम मैंने क्या किया कि एक सोप मेकिंग का कोर्स किया, तो कभी सोचा नहीं था बिज़नेस के बारे में। तो उस टाइम में तो मैं अपनी फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में कुछ स्पेशल ओकेजन पर मैं उनको सोप गिफ्ट कर देती थी। इनिशियली मैंने सोप से ही शुरुआत की थी। तो उसके बाद देखते ही देखते मुझे पता नहीं था कि उनको मेरे सोप इतने अच्छे लगने लगे। वो कभी मेरे पास कोई स्किन प्रॉब्लम लेकर आने लगे जैसे मैं कोई डॉक्टर हूँ, या फिर कभी ना कभी वो मुझसे पूछने लगे कि यार मेरे साथ भी मतलब किसी का बर्थडे कुछ स्पेशल ओकेजन है तो तू मेरे लिए सोप बना दे। तो वो एक खुद से ही बिजनेस बन गया, मैंने सोचा ही नहीं मतलब था। पैशन और पैशन को प्रोफेशन में बदलने का सबसे अच्छा उदाहरण लगता है। ये जो अभी आप बोली कि आप जर्नलिज्म की पढ़ाई किया, जर्नलिस्ट जैसा काम भी कुछ दिन किया, अच्छी बात है। फिर उसके बाद ये साबुन वाले व्यापार में आ पाए। ये सॉप मेकिंग का काम है, वो आप कितनी दूर तक इसको सोचती है? इसको देश के पीड़ित महिलाओं के लिए, ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए ये एक सहारा का माध्यम बने, इसके लिए आप क्या सोचती है? क्योंकि आप जर्नलिस्ट है तो आपकी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए। एकदम, मतलब कहीं ना कहीं मेरी सोच है कि मैं इसको उस लेवल पे लेकर जाना चाहती हूँ, बट अभी मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद अभी पढ़ाई कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने इंटर्न्स रखे थे ताकि मैं अपनी पॉकेट मनी से, जो मैं पॉकेट मनी है या मैं इससे अगर थोड़ा भी कुछ कमा पाती हूँ तो मैं इंटर्न्स को दे पाऊँ। तो सौम्या, एक ज़रूरी सवाल है कि अब MBA आप कर रहे हो तो हाँ, इसके बाद प्लेसमेंट आप लोगे या फिर अपना ही बिजनेस करोगे? नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के सामने रहता है। इस MBA का जो भी यूज़ है ना, वो मुझे अपने ब्रांड में करना है, बिकॉज मैं इंटरनेशनल बिजनेस में कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इन साबुनों को आगे तक आगे पहुँचाऊँ, बिकॉज हम लोग सब कहते हैं ना ऑर्गेनिक बहुत महंगा होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम केमिकल के साथ का प्रोडक्ट कम से कम कीमत में प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि लोगों तक एक अच्छा सामान भी पहुँचे, एक अच्छा साबुन पहुँचे, या कोई भी मैं स्किन केयर प्रोडक्ट बनाती हूँ, और साथ ही साथ उनके पास जाए तो उनको ऐसा लगे कि हमने, हमारी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगी है और हमें मज़ा भी आ गया कि हमारी स्किन ख़राब नहीं हुई, क्योंकि मैंने इसी सोच के साथ स्टार्ट किया। एक पोस्टर है जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, 10 richest people in the world। Yes। 9 लोग जो उसमें हैं वो ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। अपने मम्मी पापा को पोस्टर दिखाओ कि अगर आप मुझे पैसे वाले देखना चाहते हो तो मुझे एंटरप्रेन्योर बनना। थैंक यू। एंड इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। नहीं तो लाइफ एंड बिजनेस इज अ मैराथन। मैराथन, बिल्कुल।
या सौम्या, सबसे अच्छी बात है कि आपने ना स्टूडेंट होते हुए ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया। कई लोग वेट करते हैं कि मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाए तब मैं कुछ करूं, तो आपने जो है आधा सफ़र तो यहीं पूरा कर लिया और आगे का सफ़र भी आपका बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत बड़ा हो, बहुत इंस्पायरिंग होगा। तो यहाँ पर इस मंच पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। घर में बने सौंदर्य उत्पादों का वैश्विक बाजार 3780 करोड़ रुपए है। कारोबार शुरू होने के लिए मुद्रा लोन मिलता है। आमतौर से ब्यूटी और कॉस्मेटिक स्टोर में मुनाफा 20% से करीब 60-70% तक। अगर आप सीखना चाहते हैं कि खुद का होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिजनेस कैसे शुरू करें, तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और सौम्या जैन से सीखिए।